लोकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर फिल्म के लिए, क्योंकि एक लोकेशन एक फिल्म की एक लुक को डिसाइड करती है। और जिस टाइप की फिल्में हम बनाते हैं हिंदुस्तान में, बेसिकली हमारी फिल्में में रोमांस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, म्यूज़िक का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो हमारे लिए जहाँ हमको एक रोमांस को कैप्चर करना है, स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज़ एंड वी नीड टू गो देयर अगेन अगेन, बिकॉज इतनी पिक्चर हमने शूट की है तो उसके बावजूद भी वी हैव स्टिल नॉट एक्सप्लॉयटेड मोर देन 50% ऑफ द कंट्री। मैंने अब तक 12 फिल्में शूट की हैं वहाँ, और अभी मैं फिर जा रहा हूँ इस समर शूट करने के लिए। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं जिस लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ वो अभी तक कोई भी फिल्म आई नहीं है। तो देयर स्टिल सो मच मोर टू ऑफर इन स्विट्ज़रलैंड। और दूसरी खासियत स्विट्ज़रलैंड के बारे में ये है कि वहाँ की खाली सिर्फ जगह अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग इतने पॉजिटिव माइंडेड हैं, इतनी वार्मथ उनमें होती है कि देखो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। तो एक प्रोड्यूसर के लिए जो परदेश जाता है वो बेचारा टेंशन में रहता है कि भाई माहौल कैसा होगा, लोगों की बिहेवियर कैसी होगी एक फिल्म यूनिट के तरफ। तो स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत कंफर्ट लेवल महसूस करते हैं हम, दैट्स व्हाई वी गो टू स्विट्ज़रलैंड अगेन एंड अगेन। इंडियन गवर्नमेंट टू वेक अप, आई वुड टेल द टूरिज्म मिनिस्टर टू वेक अप। इट इज अ शेम दैट वी प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉलीवुड हैव टू गो अब्रॉड टू शूट। इट इज प्योरली बिकॉज द हॉस्पिटैलिटी, द फैसिलिटीज which every single foreign country and nation are offering to Bollywood, that's the vice versa in India. India mein hume sirf takleef, harassment, exploitation hum mehsoos karte hain har department se, from the government department to the police department, name it all. They are corrupt, they are manipulative, they are vicious. They only make you realize ki aapne Hindustan mein shooting plan karne se bahut bada paap kiya hai, ek galat kadam uthaya hai. It is sad, it makes me feel sad because I'm a patriotic Indian and for me to say this pains my heart, but it is a fact. I can't deny something which is a harsh truth. So agar koi minister dekh raha ho is channel ko, to main unko bolunga jago, jo pardesh ke log humko de rahe hain, why don't you give too? It's a shame. Let's hope things get better. Okay. Let's hope. उम्मीद पे दुनिया जीती है, वो सुबह कभी तो आएगी। Thanks a lot.